सो गाइस, आज हम NCF के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर वीडियो होगा। सो हम आज जो NCF है इसके बारे में बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो हम आज स्टार्ट करते हैं NCF के बारे में। जो NCF स्ट्रक्चर है ये है, जब NCF को बनाना, मतलब किसने बनाने के लिए NCF को कहा था, NCERT को, बेसिकली जो NCF है उसको NCERT ने लॉन्च किया। NCF 1986 NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इन्होंने बोला था NCERT को कि एक ऐसा एक करिकुलम या फ्रेमवर्क बनाया जाए जो एजुकेशन को आगे प्रमोट करे, ठीक है। तो नेशनल स्टेटिंग कमेटी सेटअप अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर यशपाल, जो डॉक्टर यशपाल थे उन्होंने एक कमेटी बनाई, तो जिसमें कुछ मेंबर को सिलेक्ट किया गया NCERT के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। इसका सेकेंड पॉइंट है, NSC कंपेयर्स 35 मेंबर्स इंक्लूडिंग स्कॉलर्स, प्रिंसिपल्स एंड टीचर, NGO रिप्रेजेंटेटिव एंड NCERT फैकल्टी। इसमें अलग अलग तरह से या अलग अलग यू नो कह सकते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने मेंबर को लिया, क्योंकि हर किसी का परसेप्शन अलग होगा बच्चों के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 35 मेंबर इसमें इंक्लूड किए थे, जिसमें प्रिंसिपल थे हमारे पास, ठीक है, प्रिंसिपल्स थे एंड और कौन थे, प्रिंसिपल के अलावा हमारे पास थे, यहाँ पे प्रिंसिपल हो गए, टीचर्स हो गए, और जो NGO रिप्रेजेंटेटिव होते ना वो इसमें इंक्लूड थे, क्योंकि हर कोई अपनी राय देगा तो उसमें क्या NCF में बेटरमेंट आएगी, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन, थर्ड जो पॉइंट है ये है, NSC सपोर्टेड बाय 21 नेशनल फोकस ग्रुप टू प्रिपेयर वेल रिसर्च पोजिशन पेपर्स। जो NSC है एक मतलब टीम जो एक कॉमन पेपर या कॉमन यू नो स्ट्रक्चर की बात करती है, तो इन्होंने 21 नेशनल फोकस ग्रुप को इनको सपोर्ट किया, इनको एक जो वेल रिसर्च पेपर था, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे, ये है देखो ये कमेटी है इसमें कि इसमें कितनी तरह से लोग बैठे हुए, मतलब ये दो प्रोफेसर यशपाल है ये वाले, ठीक है, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट से मेंबर है, कोई प्रिंसिपल, कोई स्कॉलर, टीचर, ठीक है। ये सब अपनी अपनी राय देंगे बच्चों के लिए, ठीक है, कि किस तरह का हमारा NCF होना चाहिए, समझ गए। तो NCF को NCERT ने लॉन्च किया था, कि हमें जो NCF है उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो NCF की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, नीड ऑफ NCF, फर्स्ट पॉइंट हमारा, द स्कूल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनफ्लेक्सिबिलिटी दैट मेक्स इट रेसिस्टेंट टू चेंज। जो एक स्कूल सिस्टम ऐसा ऐसा बन गया था ना कि उसको चेंज करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था आज की डेट में, ठीक है। सेकेंड है, लर्निंग हैज़ बिकम एन आइसोलेटेड एक्टिविटी, थोड़ा सा एकदम सॉरी मैं एयरप्लेन में करना भूल गया हूँ। लर्निंग हैज़ बिकम एन आइसोलेटेड एक्टिविटी विच डज नॉट एनकरेज चाइल्ड टू लिंक नॉलेज विद देयर लाइव्स इन एनी ऑर्गेनिक और वाइटल वे। जो स्कूल एजुकेशन थी वो आइसोलेटेड हो गई थी, मतलब किसी से कोई लिंक नहीं है उसका, बच्चे स्कूल में आए, ये सपोज स्कूल है, बच्चे घर से स्कूल में आए, यहाँ से ऐसे ऐसे स्कूल में आए, और यहीं इनका जो सीखना है सारा चीज़ स्कूल के अंदर ही है, कोई उनका आउटसाइड से लिंक नहीं है कि उनकी फैमिली भी उनको कुछ सिखा सकती है, अदर इन्वायरमेंट भी उनको कुछ सिखा सकते हैं, ये हमारी एजुकेशन इस पर फोकस नहीं कर रही, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, स्कूल प्रमोट ए रिजन थॉट दैट डिस्करेज क्रिएटिव थिंकिंग एंड इंसाइट्स। बच्चों एक मतलब क्रिएटिव होता है, उसमें इंसाइट्स डेवलप होते हैं, लेकिन जो हमारी स्कूल एजुकेशन थी वो बिल्कुल भी इस पर फोकस नहीं कर रही थी, ठीक है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है, द फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड टेक सेंटर्ड स्टेज टू द नियर एक्सक्लूजन ऑफ द चाइल्ड प्रेजेंट। ये इन्होंने इनका एक फंडा था कि पाँव जो होता ना पूत के पाँव पैर पालने में, कुछ ऐसा जो कहावत बनी है, पूत के पाँव पालने में पहचान लिया जाता है, कि जो बच्चा प्रेजेंट में जैसा है ना वो फ्यूचर में भी ऐसे रहेगा। अगर वो बच्चा एक पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसका मतलब जीवन ही बेकार है, कुछ इनका एक ऐसा फंडा था, ठीक है। तो इसलिए ये जो सोच थी इनको, इसको हटाने के लिए NCF का एक बेसिकली ज़रूरत पड़ी हमें, NCF की नीड पड़ी। बढ़ते हम अगली स्लाइड पे, डिस्टॉर्शन ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, लर्निंग हैज़ बिकम ए सोर्स ऑफ बर्डन एंड स्ट्रेस फॉर चिल्ड्रन।
जो लर्निंग थी बच्चे उसको एक बर्डन की तरह देखने लगे थे और मतलब स्ट्रेस लेते थे पढ़ाई करते टाइम। तो जैसे उनकी टेक्स्ट बुक और वर्कशीट इस तरह से डिज़ाइन की जाती थी पिछले उसमें NCF से पहले कि बच्चे मतलब बोर होते थे पढ़ते हुए, उनमें नो पिक्चर बस टेक्स्ट ही टेक्स्ट भरा होता था, बच्चे मतलब डर जाते थे बुक देख देख के। ओवरलोड इन्फॉर्मेशन रहती थी उसमें, बच्चे की जो ज़रूरत की चीज़ भी नहीं है वो भी उसमें रहती थी। थर्ड है इनकम्प्रेंशन, समझ ही नहीं पाएंगे उसको, मतलब जो उसमें लिखा आपने टेक्स्ट से लिख दिया तो उसे बच्चा नहीं समझ पाता था। फोर्थ है टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, बच्चों को डर रहता था कि टेस्ट है एग्ज़ाम्स है, उनका डर मतलब उसकी वजह से वो या तो ड्रॉप आउट कर लेते थे या फिर वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हमेशा के लिए। तो ठीक है, इसमें ये जो बेसिकली जो डर था या जो स्कूल सिस्टम में जो चल रहा था ये भी एक इसको हटाने के लिए NCFK में ज़रूरत पड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम लोड। ठीक है, जो हमारी प्रॉब्लम है करिकुलम लोड को लेके, उसमें क्या था कि जॉयलेस लर्निंग, उसमें नो पिक्चर ना कुछ नहीं, मतलब टेक्स्ट टेक्स्ट भर दिया, वो जॉयफुल लर्निंग नहीं थी। थर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा था कि बच्चों को मतलब कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, अगर सपोज बच्चे का एग्ज़ाम छूट जाता तो छूट गया, वो फेल ही होगा। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं था कि अगर बच्चा किसी कारणवश उसका एग्ज़ाम छूट गया तो उसका बाद में लेके उसको मार्क्स उसको एसेस कर ले, ये सिस्टम नहीं था। टेक्स्ट बुक एज अ ट्रूथ, मतलब सच्चाई पर आधारित बुक, मतलब और सब कुछ ही टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड लर्निंग थी उस टाइम पे बिफोर NCF। स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस इस तरह से उसको सिलेबस का डिज़ाइन किया गया था कि बच्चा कॉम्प्रिहेंड करने में भी बड़ी मुश्किल फेस करता था। सो बच्चे हर तरह से मतलब पढ़ते हुए बोर हो जाना, वो सब कुछ उनके सामने डिफ़िकल्टीज आ रही थी। लैंग्वेज टेक्स्ट बुक जो टेक्स्ट बुक थी, एक तो उनकी लैंग्वेज ही ऐसी थी कि मतलब एक हाई लेवल मतलब जो होते ना बड़े लोग जो अपनी फिलोसफी लिखते हैं उनके खुद के ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो जो बच्चा समझ ना पाए। ठीक है, स्टार्टिंग अर्ली उनको यू नो छोटी एज में बड़े से बड़ा फिलोसफर उनको इतनी साइंटिस्ट बनाने की जो थेसिस चलते थे वो बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं थी। बढ़ते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ NCF। डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड द डी इनटू 5 एरियाज, जो डी थे उनको 5 एरियाज में उन्होंने डिवाइड कर दिया। परसेप्टिव, सेकंड है लर्निंग एंड नॉलेज, थर्ड है करिकुलम एरियाज, स्कूल स्टेज एंड असेसमेंट, फोर्थ है स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, एंड फोर्थ है सिस्टमेटिक रिफॉर्म। ठीक है, परसेप्टिव बेसिकली फर्स्ट जो है परसेप्टिव, हम इसमें बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की कि हर बच्चे का परसेप्टिव अलग अलग होता है, तो उसमें हम उसी की तरह से उसको डील करेंगे। लर्निंग एंड नॉलेज, बच्चों को लर्निंग एंड नॉलेज उसी तरह से दी जाएगी जिसके वो एबल है या उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार। थर्ड है करिकुलम एरियाज, स्कूल स्टेज एंड असेसमेंट। ठीक है, एंड फोर्थ है स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट की इन्होंने बात की है कि जो स्कूल और क्लासरूम का इन्वायरमेंट होगा कि स्कूल की या जितनी भी टेक्स्ट बुक नॉलेज है एक तो उनको इन्वायरमेंट से लिंक किया जाएगा। कहते हैं ना कि जो टेक्स्ट बुक है जो हमारी लर्निंग है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक का मतलब है कि हम टेक्स्ट बुक से हटके उसको कहीं और लिंक करें या उसका एप्लीकेशन करें। ठीक है, और जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो एक मतलब कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट हो, एक दूसरे से सीखना, पीयर, वो सारी लर्निंग वो सब इसमें फॉलो की जाए। फोर्थ है सिस्टमेटिक रिफॉर्म, अगर जैसे सिस्टमेटिक रिफॉर्म की हमें कैसे बदलाव सिस्टम में कैसे बदलाव करना है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम, परसेप्टिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। ये हमारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल है करिकुलम डेवलपमेंट के, इसमें कुछ पॉइंट्स में दिए गए हैं। फर्स्ट है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल्स, जो बच्चों की नॉलेज है उसको आउटसाइड स्कूल कनेक्ट करना है। ठीक है, एंड जैसे अभी हमने बात की कि जो हमारी टेक्स्ट बुक नॉलेज है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाना में, मतलब जैसे हमारे हमें फैमिली से सीखना है, ठीक है, अपने जो इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं उनको सीखना है। एंड अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमें एक टीचर है उसको एक एक्टिविटी करानी है कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, उसमें 4 ऑप्शन थे हमारे पास कि उनको ऐसे लिखवा देंगे, पोस्टर मेकिंग करवा देंगे, ठीक है, या उनको एक पेड़ जो ट्री है वो प्लांट है उनको अडेप्ट करने के लिए कहेंगे। तो ठीक है, उन्होंने जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमने लगाया था वो अडेप्टेशन ऑफ ट्री लगाया था। अब आप उसको यहीं पर कनेक्ट कीजिए, अगर आप बच्चों से उनसे ट्री बनवा देते या उनके पोस्टर बनवा देते या एक ऐसे लिखवा देते वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होता। आपने उसको कहाँ से लिंक किया, आउटसाइड क्लासरूम।
ठीक है, क्लासरूम के आउटसाइड आपने उनको लिंक किया कि आप एक पीरियड ना अडेप्ट कर लीजिए, एक जो पेड़ है उसको अडेप्ट कर लीजिए प्लांट को, और उसकी केयरिंग कीजिए, उसको नर्चर कीजिए, ठीक है। तो बच्चे उसके बारे में अलग अलग उसको एक क्वालिटी है, उसको एक डेवलप होगी कि पेड़ को कैसे केयर करते हैं, पेड़ का फ्रूट फ्रूट प्लांट में फ्रूट कैसे आता है वो सब। सेकेंड है लर्निंग, लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट, जो रोट लर्निंग है या मेमोराइजेशन है उससे शिफ्ट करना कि बच्चा एक अपने खुद से ही सीखे। जैसे आपने पेड़ एक एग्जाम्पल पेड़ पे ले लीजिए, जो आपने अडेप्ट किया वो आप उसको करके सीख रहे हो, हैंड ऑन एक्सपीरियंस है आपका वो। थर्ड है करिकुलम एनरिचमेंट गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, जो करिकुलम को ऐसे एनरिच किया जाए जो गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जा सके हम, क्योंकि टेक्स्ट बुक से हटके सीखना टेक्स्ट बुक में रिटर्न है किसी एक का या किसी एक मतलब ग्रुप का वो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, लेकिन तुम खुद के एक्सपीरियंस से क्या समझ पा रहे हो गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। फोर्थ है मेकिंग एग्जाम मोर फ्लेक्सिबल बाय इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ, ठीक है, फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम में करना है। नर्चरिंग एंड केयरिंग आइडेंटिटी, हर नो डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली, हर किसी की केयर और उसकी आइडेंटिटी को बनना है या इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें देख के हुए चलना है। बढ़ते हैं हम अगले पे, लर्निंग एंड नॉलेज, इसमें हमारा जो मतलब एक जो है ज्ञान और अधिगम, इसके बारे में हम बात किए। फर्स्ट है हाईलाइट द वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, जो हमारी इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ उसको इंटरेक्ट किया जाए, ठीक है, कि जैसे आपने कुछ सीखा उसको इन्वायरमेंट में कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, पीयर्स जो पीयर्स है उनके साथ यू नो पीयर, जैसे आपने पढ़ा था ना पीयर ट्यूटरिंग या पीयर, आप पीयर से बहुत कुछ सीखते हो, उसमें ब्रदरहुड सोशलाइजेशन आपको बहुत इफेक्टिव एम होता है। थर्ड है ओल्डर पर्सन टू एनहेंस लर्निंग ग्रैंडपा, जैसे जो ओल्डर पर्सन होते बड़े लोग होते घर में वो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो आप उनसे भी अपनी यू नो बातें शेयर कर सकते हो, उनसे भी इंटरेक्ट कर सकते हो। यह इसका सेकंड बुलेट पॉइंट है लर्निंग टेक मस्ट बी डिजाइन टू एनेबल चिल्ड्रन टू सीक आउट नॉलेज फ्रॉम साइट्स अदर देन टेक्स्ट बुक, जैसे फील्ड विजिट होती है ना फील्ड विजिट, तो इसमें बोला है कि जो हमारी लर्निंग है वो आउटसाइड जो साइट्स है, जैसे आप कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे बच्चों को विजिट करा लो, उसमें कैसे कैसे काम हो रहा है, या कोई फील्ड या कोई फार्मिंग कर रहे हैं तो वहाँ ले जाते हो आप, पोल्ट्री हाउस में ले जा सकते हो कि कैसे कैसे वहाँ पे पोल्ट्री या मतलब फिशिंग करते हैं या मुर्गी पालन करते हैं, उसमें आप ले जा सकते हो, ठीक है। मतलब उनको टेक्स्ट बुक के अलावा भी उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल व्यूज उसका देना है। थर्ड है नीड देयरफॉर टू मूव अवे फ्रॉम द हर्बेटियन लेसन टू प्रिपेयरिंग प्लांट्स एंड एक्टिविटी दैट चैलेंज चिल्ड्रन टू थिंक एंड ट्राई टू वर्ड दे आर लर्निंग, बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि जब क्या वो सीख रहे हैं वो उनके मतलब उनके जीवन में कहीं उसकी अहमियत है या नहीं है, ठीक है, उनको ऐसे ऐसे टास्क प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। जो NCF करिकुलम एरियाज हैं जो ट्रेडिशनल वे में हम मतलब टीचिंग करते थे, मैथमेटिक्स, ये हम मैथमेटिक्स पढ़ लिया, लैंग्वेज पढ़ ली, साइंस पढ़ लिया, सोशल साइंस पढ़ लिया, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस देते थे, लेकिन NCF के आने के बाद हमने कुछ अदर एरियाज भी इसमें इंक्लूड किए, जैसे आर्ट एजुकेशन, ठीक है, कार्य शिक्षा जिसे कहते हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, बच्चे को अपने शारीरिक और जो उनका शारीरिक विकास है उसके लिए भी उनका एक अलग से सब्जेक्ट डाला गया इसमें, एजुकेशन फॉर पीस एंड हैबिटेट एंड लर्निंग्स, समझ गए, ये उन्होंने इसमें कुछ करिकुलर एरियाज ऐड किए हैं, ठीक है। फॉर द बेटर सिटीजन, जैसे आप आर्ट एजुकेशन है, आप दूसर के काम को एक काम को अहमियत देने में अच्छा ही वो समझते हो ना, आर्ट एजुकेशन हमने पढ़ा है, ठीक है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, हम जैसे फिजिकली कैसे फिट रह सकते हैं वो सब कुछ इस बच्चे उनमें बच्चों के लिए ऐड किया गया है। ये रहा, ठीक है, ये एजुकेशन फॉर पीस, मतलब एक गुड सिटीजनशिप, हर किसी की आइडेंटिटी या हर रिलीजन की रेस्पेक्ट करना, ठीक है, ये उसमें इन्होंने सब कुछ ऐड किया है। ट्रेडिशनल को हर ट्रेडिशनल के ये ट्रेडिशनल साथ साथ है इसमें, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसे भी ऐड किया है कि बच्चों को पढ़ाना ये भी कंपलसरी है। बढ़ते हैं हम आगे, ये स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, इसमें उन्होंने बोला कि जो स्कूल का और क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। फर्स्ट है फोकसिंग ऑन नर्चरिंग एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को केयर करना, नर्चर करना या उस पर फोकस करना, ठीक है, ऐसा हमारे जो एटीट्यूड बच्चों में डेवलप करना है। सेकंड है डिस्कस नीड फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, हमें जो
क्लासरूम है उसमें पेरेंट्स को या जो जो हमारे नेबरहुड है उसके कुछ मेंबर्स को भी इनवाइट करना चाहिए क्लासरूम में, जैसे जैसे पढ़ते हैं ना कम्युनिटी एज ए सोर्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, उसमें हम किसी पेरेंट्स को बुला लेते हैं कि अगर कोई किसी का पेरेंट्स फार्मर है या कोई एडवोकेट है टेलर है तो उनको क्लास में बुलाइए किसी दिन स्पेसिफिक डे में, उनसे उस उनके वर्किंग जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में डिस्कस कराइए, क्योंकि बच्चे भी उससे अवेयर हो जाए और समझे कि कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या उसमें हमें करना पड़ता है। थर्ड है डिस्कसिंग अदर लर्निंग साइट्स एंड रिसोर्स, टेक्स्ट बुक, टूल्स, लेबोरेटरीज, मीडिया एंड ICT। हमें बच्चों के साथ ये जो अदर लर्निंग स्टाइल्स हैं, जैसे किसी वर्किंग साइट पे चले गए, जैसे मैं हमने पिछली बार डिस्कस किया कि आप फार्मिंग हाउस पे चले गए, पोल्ट्री हाउस पे चले गए, PC हाउस पे चले गए, या किसी भी साइट पे अपने कंस्ट्रक्शन साइट्स को विजिट कर लिया, उसमें देखा कि कैसे कैसे काम होता है, और हमने बच्चों को मीडिया और ICT लेबोरेटरी में एक्सपीरियंस यानी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों पे इनसे अपने प्रैक्टिकल पे फोकस किया, ठीक है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, एड्रेस इज द नीड फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ मटेरियल्स एंड टीचर्स एटोनॉमी प्रोफेशनल्स इंडिपेंडेंस फॉर यूज ऑफ सच मटेरियल, ठीक है। इन्होंने एड्रेस इज द नीड ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ मटेरियल्स एंड टीचर्स ऑटोनॉमी, ठीक है, प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस टू यूज ऑफ सच मटेरियल, समझिए कि जो हम बेसिकली टीचर्स को इन्होंने फैसिलिटेटर के लिए कहा है कि टीचर एक फैसिलिटेटर काम करेगा और बच्चों को काम करने के लिए ग्रुपिंग में डिवाइड कर देगा। क्लासरूम इन्वायरमेंट देखो ऐसा होना चाहिए, इसमें देखो नो बाइसनेस है, गर्ल बॉयज सब बैठे एक साथ, ठीक है, और बच्चे खुद से ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी ये डांसिंग कर रहे हैं इसमें बॉयज़ देखो ये बजा रहे हैं, ये यहाँ पे क्या है इसको जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये बजा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, गर्ल्स इधर कुछ परफॉर्म कर रही है, तो हर कोई इसमें इंक्लूड है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा बेटर इनकी लर्निंग होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, टीचर फैसिलिटेटर गाइड एज अ फ्रेंड। अब देखिए टीचर यहाँ पे एक फैसिलिटेटर गाइड इस तरह से काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कि कहीं शायद फॉर्म खेत में विजिट कर रहे हैं, तो टीचर तो यहाँ पे टीचर है फैसिलिटेटर या गाइड का काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड एज अ फ्रेंड इनको समझा रहा है, ठीक है, गाइड कर रहे हैं इनको। अब यहाँ पे देखना इन बच्चों के साथ डांस कर रही है टीचर जो है, यहाँ पे एक जेंट्स टीचर है ये बच्चों को ग्रुप में बिठा कर कुछ समझा रहा है ताकि सब बच्चे कंसंट्रेट कर पा रहे, बच्चों को हमें डराना नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये आज के लिए हमारा लास्ट था, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे जो ये PPT है इसको लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, पढ़ेगा तभी तो पढ़ेगा इंडिया वर्ल्ड्स, ठीक है। सो आज के लिए लास्ट था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।